सो ही गाइस, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वीडियो एडिटिंग अभी के टाइम पे क्यों मुश्किल है। तो इसको मैंने 5 पॉइंट्स में बांटा है और एक एक करके मैं आपको सारा एक्सप्लेन करूंगा। तो इस वीडियो में आपको वही बताऊंगा जो मैंने रियल लाइफ में फेस करा है। तो पहला पॉइंट है टेक्नोलॉजी की कमी। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के पास एडवांस वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, हाई एंड कंप्यूटर और अप टू डेट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर नहीं होते हैं, जिसकी वजह से हमें काम करने में बहुत टाइम लगता है और हमारा जो रेंडर करने के बाद क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है। और जो दूसरा पॉइंट है वो है प्रोफेशनल ट्रेनिंग की कमी। अभी के टाइम में यूट्यूब पर बहुत सारे लोग वीडियो एडिटिंग सिखा रहे हैं, बट रियल में बहुत सारे लोगों के पास वीडियो एडिटिंग की पूरी नॉलेज नहीं होती है, जिसकी वजह से हम वीडियो को सही से एडिट नहीं कर पाते हैं और कुछ ना कुछ कमी रह जाता है। और जब हम उसे एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके बाद हमारा वीडियो अनप्रोफेशनल सा लगता है। और जो तीसरा पॉइंट है वो है लैंग्वेज की समस्या। तो जैसा कि हम देखते हैं, हमें लैंग्वेज की वजह से बहुत सारी जगहों पर कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है, फिर चाहे हमें कहीं बात करना हो या हमें कोई सॉफ्टवेयर सीखना हो। बहुत से लोगों को इंग्लिश समझना और बोलना नहीं आता है, और वीडियो एडिटिंग में इंग्लिश टेक्निकल टर्म्स का यूज़ होता है जिससे काम करने में दिक्कत होती है। और जो हमारा चौथा पॉइंट है वो है लिमिटेड बजट। तो अभी के टाइम पे बहुत सारे एडिटर को ज़्यादा पैसे की जॉब नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से वो ज़्यादातर पेड वर्जन यूज़ नहीं कर पाते, या कोई पेड वर्जन लेते भी है तो सस्ता वाला लेते हैं जिसमें हमें बहुत सारे ऑप्शंस नहीं मिल पाते हैं। तो उसकी वजह से हमें क्वालिटी में भी कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है। उसके अलावा और बहुत सारी जो बेनिफिट होती है पेड वर्जन के वो हमें नहीं मिल पाते हैं। और मोस्टली अभी देखा जाए तो बहुत सारे लोग जॉब करने के बाद भी, पैसा कमाने के बाद भी वो क्रैक वर्जन यूज़ करते हैं। तो ये भी थोड़ा बजट का इशू है जो अभी चल रहा है फिलहाल। तो पाँचवा पॉइंट जो है वो है कॉम्पिटिशन। तो अभी के टाइम पर देखा जाए तो बहुत हर चीज़ में ही कॉम्पिटिशन है, और वीडियो एडिटिंग में भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, क्योंकि अभी के टाइम पे जितने भी प्रोफेशनल वीडियो एडिटर है वो तो अपना अच्छा खासा चार्ज करते हैं, लेकिन जो भी बहुत सारे अभी नए नए वीडियो एडिटर आ रहे हैं जिन्होंने मतलब यूट्यूब से सीखा है, या जो भी न्यू कमर्स आ रहे हैं, जो फ्रेशर आ रहे हैं, उनके लिए क्या है कि उनके लिए थोड़ा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि अभी के टाइम पर इतनी कॉम्पिटिशन हो चुकी है कि जितने भी प्रोफेशनल है, जो एक्सपीरियंस वाले हैं, वो लोग भी सस्ते में जॉब करने के लिए तैयार है, और फ्रीलांसर जो है वो भी आजकल बहुत कम पैसों में वीडियो एडिट करके दे देते हैं। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा कंपटीशन चल रहा है। तो इसलिए अगर कोई भी हम वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर सीखते हैं या वीडियो एडिटिंग के फील्ड में आते हैं, तो अपने माइंड को इतना क्रिएटिव करके आइए कि अगर कोई भी वीडियो हो तो आप लोगों से अलग एडिट करके दे सकते हो, जिससे मतलब आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। और हमेशा टेक्नोलॉजी जैसे जैसे अपडेट हो रही है वैसे वैसे अपडेट होना पड़ेगा। तो इन सभी चीज़ों की वजह से यहाँ पे वीडियो एडिटिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अभी टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग दोनों इम्प्रूव हो रहे हैं, जिससे वीडियो एडिटिंग के काम को आसान करने में मदद मिल रही है। तो दैट्स इट इस वीडियो में, इतना ही। आपको मैं कमेंट्स करके बताया कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। बाकी अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।